आज जिला निर्वाचन अधिकारी से हमारी एक शिष्टाचार भेंट थी, क्योंकि हम सब बड़े लोग जो हमारे नेता हैं वो सब लोग बाहर थे। आदरणीय देवनानी जी, खुद हमारे प्रत्याशी, मैं, पाड़िया जी दूसरी लोकसभा में लगे हुए थे। तो आज हम उनसे शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए और थोड़ी सी वहाँ जहाँ हमारी मत पेटियाँ पड़ी है, मशीनें पड़ी है, उसकी सुरक्षा व्यवस्था कैसी की, वहाँ कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, उसकी जानकारी लेने के लिए आए। और जिस प्रकार शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है, तो हमने प्रशासन और मतदाताओं को सबको एक धन्यवाद देने के हिसाब से आज यहाँ पर विजिट की। तो और क्या आप भी जाएंगे वहाँ चेक करेंगे? नहीं, जो जा सकते हैं वो प्रत्याशी और उनका अभिकर्ता, वो हमारे केजी जोशी जी और भागीरथ जी, वो कभी भी जा सकते हैं, रात को भी जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं, वो कभी भी जाके चेक कर सकते हैं। करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे? वो जो 23 तारीख के पहले पहले तक जब उनका मन करेगा जाके चेक करेंगे। आज हम सब लोग जिलाधीश महोदय से, जो कि इस समय जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं और उनके साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी भी, दोनों के साथ हम लोग मिले। और चूंकि जैसा हमारे सरसों जी बताया, हम लोग बाहर थे इसलिए आज आए। तो पिछले चुनाव के दौरान जितनी हमने शिकायतें की थी उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की, इसकी भी हमने उनसे रिपोर्ट मांगी। और साथ में उस दिन जो हमने इन पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कैंडिडेट की सास वीना काक उस दिन अजमेर ज़िले में थी, फिर भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, इसकी हमें शिकायत दर्ज करवाई। और वर्तमान में जो मशीनें हैं वो सुरक्षित रहें, इस दृष्टि से पूरी व्यवस्थाएं हों, और उसके लिए जो नियम हैं जिसमें कैंडिडेट और अभिकर्ता दोनों उसकी जाँच कर सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो अब दोनों उनकी सुरक्षा व्यवस्था को देखने के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि निर्वाचन अधिकारी किसी तरह से लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा निष्पक्ष रहें, ये हमने आग्रह किया, और किसी भी सरकारी दबाव में ना आए, ये हमने इनको स्पष्ट कहा कि सरकारी दबाव में आने से निष्पक्षता पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, वह न हो इसकी वो पूरी सावधानियां बरतें, उस अनुसार कार्रवाई करें। ऐसा पहली बार हुआ है कि बंद किया गया बीजेपी की ओर से, क्या ऐसा क्या कारण? नहीं, हमने जहाँ पूरा देखा कि किस प्रकार से हैं, उनकी सुरक्षा संदेह की बात नहीं है, लेकिन सुरक्षित हैं कि नहीं है इसको सुनिश्चित करना का अधिकार, हमारे देखरेख का अधिकार कैंडिडेट और अभिकर्ता को है, इसके लिए हमने उनको आग्रह किया है।